हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्यूशन। मैं राहुल कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हिंदी में बात करें तो जोड़ घटाओ गुणा भाग वगैरह, तो फाइनली कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट हम लोगों को मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि उस फाइनल रिजल्ट में कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोगों को रखना चाहिए, ठीक है, उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं इसे एक एग्जांपल से समझिए और इसे एक एग्जांपल से महसूस कीजिए कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। चलिए मान लेते हैं कि आप किसी पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी पार्टिकुलर फिजिक्स के प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं या केमिस्ट्री में भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दिया हुआ है, जस्ट सपोज दिस इज 4.125 किलोग्राम, ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम लेट दिस इज 2.07 क्यूबिक मीटर, क्लियर है। अब आपको डेंसिटी निकालना है, फर्दर आगे का भी कुछ स्टेप्स करना है उस प्रॉब्लम में, तो अब आप डेंसिटी उसको निकालने जाते हैं, तो हम लोगों को पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, दिस इज 4.125 डिवाइडेड बाय 2.07, बहुत आसान है, हम लोग सब आदमी डिवीजन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए हम कैलकुलेटर का हेल्प ले रहे हैं, इनफैक्ट मोबाइल का, लेट 4.125 डिवाइडेड बाय 2.07, दिस इक्वल्स टू 1.992753632 एंड लाइक दिस 1.992753632। ओके चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम लोग सवाल भी समझ रहे हैं। अब इश्यू क्या है, चक्कर क्या आता है कि अब इसमें हम लोग कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट को रखें, क्योंकि इतना डिजिट को रखते हुए आगे प्रोसीड करना, सपोज कीजिए कि उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, आगे भी काफ़ी स्टेप्स तक सॉल्व करना है, ये एक छोटा सा स्टेप्स आप उसका अभी सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टीडियस वर्क हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। बहुत डिटेल से हम लोग लास्ट वीडियो में राउंड ऑफ के बारे में देखे थे कि कैसे कोई डेटा अगर दिया हुआ है, कोई मेजर वैल्यू, तो कैसे हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उन रूल्स के हिसाब से जो ट्रिक्स वहाँ पर बताए गए थे उसके हिसाब से हम लोग इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लें, सो डैट कि आप आज की क्लास को काफ़ी अच्छे तरह से समझ सके। तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पर अराइज होता है कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको राउंड ऑफ करें, दो सिग्निफिकेंट डिजिट में या तीन सिग्निफिकेंट डिजिट में या फोर, लाइक दिस, ठीक है ना, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको हम राउंड ऑफ करें। अब ये एक नया क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, और क्यों ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्योंकि आप इस डेटा को, आप इसको, आपको ये डेटा कैसे मिला, आपने डिवाइड किया मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, जहां पर मास जो है, मास में ध्यान दीजिए, आपको 1, 2, 3, 4 चार सिग्निफिकेंट डिजिट है, मास में तो चार सिग्निफिकेंट डिजिट है, और वॉल्यूम में 1, 2, 3, यहां पर 0, 2 नॉन जीरो के बीच में, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट होगा, एंड सो दैट वॉल्यूम में आपका 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और ये जो फाइनल आपको रिजल्ट मिला आप देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो अब इसको कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करें, क्योंकि एक में था चार सिग्निफिकेंट डिजिट और एक दूसरा डाटा जिसकी सहायता से ये मिला इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट था, ठीक है, ये एक सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ रूल्स को एज ए कन्वेंशन एडॉप्ट किए कि भाई जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो इस रूल के हिसाब से ही आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वहाँ पर इस तरह से आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इतना रखना है। वो रूल्स क्या क्या है एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए सेम रूल होता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल होता है, अलग होता है, ठीक है, क्या क्या वो रूल्स हैं। चलिए ठीक है, पहले हम लोग चूंकि डिवीजन को देख लिए हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल को ही देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में क्या होता है कि जब भी आप दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर दो नंबर्स को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में जो फाइनल रिजल्ट होगा उस फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे जितने सिग्निफिकेंट डिजिट आपका जो इंडिविजुअल नंबर था उसमें सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या कहना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर
आपका देखिए कि इसमें चार सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पर तीन सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो कंसेप्ट के हिसाब से फाइनल रिजल्ट में तीन, चूंकि चार और तीन में यह तीन कम है, तो फाइनल रिजल्ट में हमको तीन ही सिग्निफिकेंट डिजिट को रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ से एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट और भी बिल्कुल क्लियर होगा। आप देख सकते हैं पहले एग्जाम्पल में जैसे 21.204 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.41 से। ठीक है, पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अलग अलग जो नंबर्स हैं उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो पहले वाले में 21.204 में 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों के पांचों नन ये आपके सिग्निफिकेंट डिजिट है, जीरो बीच में आ रहे हैं, सो दैट इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 5। इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 ये तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट है, मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है 3। ठीक है, तो अब चूंकि 3 ये कम है, मतलब मेरा जो फाइनल आंसर होगा उसमें हमको 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट को रखना होगा। दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट आता है। तो फाइनल जो रिजल्ट हम लोग लिखेंगे, मेरा जो फाइनल आंसर होगा उसमें हमको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, एंड सो वी हैव 29 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, अब इसको राउंड ऑफ करना है तो 8 के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, हम लोगों को रूल पता है, लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। सो इसमें एक ऐड कर देंगे एंड सो दिस इज योर फाइनल आंसर 29.9। ठीक है, तो अब एग्जाम में अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपसे पूछा जाए तो ये रिजल्ट नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट दिस आंसर, ये आंसर आप लोगों को लिखना है, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, इस चीज को लैंग्वेज में यहाँ पर लिखे हुए स्टूडेंट जो आपको नोट करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला रूल जो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के लिए है, क्या है, इन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, जब भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हैं देन तो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस इज एनओएस, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल आंसर, फाइनल आंसर में जो होता है इज इक्वल टू, बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट used in the calculation, calculation में जो आप अलग अलग जो numbers यूज किए हैं उसमें जो सबसे कम जिसके पास least significant digits होते हैं उतने ही number of significant digits आपका final answer में होगा, जो कि इस example में देखें। चलिए दूसरा example देखते हैं, इससे concept आपका और भी clear होगा। इस example में आप देख सकते हैं 142.06 इसको multiply कर रहे हैं 0.23 से। चलिए decide पहले कर लेते हैं इसमें कितना number of significant digits है, यहाँ पर पाँचों significant digits है, मतलब NOS हो गया 5, यहाँ पर NOS, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पर हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट, टोटल एनओएस हो गया 2 हो गया, मतलब फाइनल आंसर में ये 2 कम है, फाइनल आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोगों को रखना होगा। अब देख सकते हैं जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना हुआ, तो फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर में हमको चूंकि 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में। सो फाइनल आंसर में ध्यान दीजिएगा दिस इज 32.6, तो 33 तो पहला कोई दिक्कत नहीं है, 2 के बाद का जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, सो 33 दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। नाउ तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, डिवीजन का एग्जांपल है, 0.70 में आप डिवाइड कर रहे हैं 3.14 से। ठीक है, 0.70 में 3.14 से डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट आया। तो फाइनल आंसर को अब हमको क्या लिखना है, क्या लिखा जाएगा देख लें, पहले यहाँ पर ये दिखा देख लें कि कितना इसमें एनओएस है, इसमें 2 है एनओएस। ठीक है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगा क्योंकि डिसिमल के बाद आ रहा है इसलिए इसको काउंट करेंगे। 3.14 इसमें तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट है इसलिए इसमें एनओएस हो गया 3, एनओएस दिस इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मतलब अब इसमें 2 कम है, ये 2 वाला कम है, इसका मतलब है कि फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर में स्टूडेंट आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, मतलब आप इसको करेंगे 0.22 दिस इज योर फाइनल आंसर 22, क्योंकि इस 2 के बाद का जो डिजिट है वो 5 से कम है इसलिए ये अनचेंज्ड रह जाएगा 0.22 दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, यहां पर आप देख सकते हैं 5.6078 में हम डिवाइड को हम डिवाइड कर रहे हैं 1.8 से। ठीक है, तो चलिए डिसाइड कर लेते हैं पहले कितना इसमें एनओएस है, इसमें एनओएस ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों सिग्निफिकेंट डिजिट है, मतलब एनओएस हो गया 5। नौ, यहाँ पर एनओएस कितना हो गया, बहुत ही क्लियर है 2, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है 2, ये कम वाला है, मतलब फाइनल आंसर में हमको 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट को फाइनल आंसर में रखना है। तो आप देख सकते हैं डिवीजन करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है एंड सो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3.1, क्योंकि इसके बाद का जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, सो इस आंसर इज 3.1। वेरी क्लियर है,
चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। जब भी आप दो या दो से ज़्यादा डिजिट को ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन का अगर केस है, तो वहाँ पर फाइनल रिजल्ट में कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट वहाँ पर हम लोगों को रखना है, या कितने, इन अदर वर्ड्स, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में उसको राउंड ऑफ करना है। क्लियर है? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में स्टूडेंट क्या होता है, वहाँ पर अलग अलग जो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर वो सब का हम देखते हैं कि डिसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट हैं। हर अलग अलग नंबर्स में जिनको ऐड कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हर अलग अलग नंबर में डिसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट होगा डिसिमल के बाद, फाइनल आंसर में भी उतना ही डिजिट को हम रखेंगे डिसिमल के बाद। और इस तरह से हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट को डिसाइड करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में। क्या कहना चाहते हैं, एक एग्जांपल से आप समझिए, बहुत ही क्लियर होगा। चलिए ये एडिशन का एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं 2.4, 5.11 एंड 0.376। इस तीन नंबर को हम लोगों को ऐड करना है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि हर अलग अलग नंबर में डिसिमल के बाद कितने डिजिट है। तो पहले वाले में डिसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही है, 4, एक डिजिट है। यहां पर डिसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, 1, 1। यहां पर डिसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3, 3, 7, 6, ठीक है। तो सबसे कम डिजिट डिसिमल के बाद किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, कितना है, 1। इसका मतलब है कि हमको फाइनल आंसर में डिसिमल के बाद एक ही डिजिट को रखना है, और इस तरह से हमको टोटल एनओएस मिल जाएगा फाइनल आंसर में। जैसे तीनों को जब ऐड किए तो ये मेरा रिजल्ट आया। कंसेप्ट के हिसाब से अब हमको, चूंकि इसमें सबसे कम डिजिट डिसिमल के बाद इसी में है, एक है, जो कि तो फाइनल आंसर में भी डिसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे इस तरह से कि डिसिमल के बाद मेरा एक ही डिजिट रहे, मतलब कि इसको हम लिखेंगे दिस इज 7 पॉइंट। अब ये डिसिमल का एक ही डिजिट रखना है, मतलब 8 को राउंड ऑफ करना है, मतलब ये रखना है, क्योंकि बाकी को राउंड ऑफ करना है। तो चूंकि 8 के बाद का जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? उसी चीज को लैंग्वेज में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लिखा हुआ है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या होता है, द फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल मेरा रिजल्ट होता है, कंटेंस रखता है एज मेनी डिसिमल प्लेसेज, उतना ही डिसिमल प्लेस को रखता है, एज आर देयर इन द नंबर विथ द लिस्ट डिसिमल प्लेस, जितना वैसे नंबर में है जिसके पास सबसे कम डिसिमल प्लेस होता है, मतलब डिसिमल के पास सबसे कम डिजिट होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल में हम लोगों को ऐड करना है 25.4103, आप देख सकते हैं, दूसरा है 0.062 और तीसरा नंबर है 1.32। इस तीन नंबर्स को हम लोगों को ऐड करना है। तो एक एक करके डिसाइड करेंगे कि हर नंबर में डिसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, डिसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर डिसिमल के बाद 4 डिजिट है, 4103, यहाँ पर 4 डिजिट है डिसिमल के बाद, यहाँ पर डिसिमल के बाद 1, 2, 3 डिजिट है, यहां पर डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, 3 और 2। नाउ कंसेप्ट के हिसाब से फाइनल जो मेरा आंसर होगा, उस फाइनल आंसर में सबसे कम डिसिमल के बाद डिजिट किसमें है, इसमें है, जो कि कितना है, 2। मतलब फाइनल आंसर में भी हमको डिसिमल के बाद 2 ही डिजिट को रखना है। चलिए ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है, इसको डिसिमल के बाद अब इस तरह से लिखना है कि डिसिमल के बाद 2 डिजिट रहे। डिसिमल के पहले वाले को तो बिल्कुल वैसे ही उतार देना है, मतलब इसको सीधे हम लिख देंगे 26 पॉइंट। ये 26 पॉइंट है तो 26 पॉइंट तो हो गया, उसमें सोचना ही नहीं है, डिसिमल के बाद का ही कंसेप्ट है। तो डिसिमल के बाद हमको 2 डिजिट को रखना है, ठीक है, मतलब इस तरह से लिखना है, इस तरह से राउंड ऑफ करना है कि डिसिमल के बाद मेरा 2 डिजिट हो। मतलब इसको सीधे लिख देंगे 79 लिख देंगे, क्योंकि 9 के बाद का जो डिजिट है वो 5 से कम है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो। क्लियर स्टूडेंट? चलिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। सपोज कीजिए आपको घटाना है या सब्ट्रैक्ट करना है 62.831 में से 24.5492, इसको आप सब्ट्रैक्ट करना है। अब तक हम लोग क्या करते आए थे, सीधे सब्ट्रैक्ट करते थे, ये फाइनल आंसर लिखते थे, लेकिन नहीं, समझिएगा बात को, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब कोई सपोज कीजिए कोई मेजर्ड वैल्यू हो, कोई डाटा, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना इसको इतना को कैरी करना, तो इसको किस तरह से लिखेंगे ताकि मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए, उसी चीज़ को हम लोग सीख रहे हैं। तो अब ये घटाने के बाद आपका रिजल्ट इतना आया, लेकिन अब इसको इतना नहीं लिखना है, कितना लिखना है, तो क्या करना है, कंसेप्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई इसमें डिसिमल के बाद कितना प्लेस है, इसमें 3 है, इसमें डिसिमल के बाद कितना प्लेस है, इसमें 4 है,
तो कंसेप्ट के हिसाब से चूंकि मेरा तीन ये कम है, फाइनल आंसर में भी मेरा तीन ही डिजिट होना चाहिए डिसिमल के बाद, तो ये मेरा आंसर आया है। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, डिसिमल के पहले वाला तो सीधे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 38 पॉइंट। अब डिसिमल के बाद तीन डिजिट होना चाहिए, मतलब इसको तीन डिजिट में राउंड ऑफ करना है, तो 28, ध्यान दीजिएगा 28, ये 1 के बाद का जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें 1 ऐड कर देंगे, एंड सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के केस में ये जो यहाँ पर लिख रहे हैं, दिस इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में ये सब जो लिखा जा रहा है, ठीक है, ये हम लोग लिख रहे हैं डिसिमल के बाद कितना नंबर ऑफ डिजिट है, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इन कंसेप्ट का यूज करके, जो कि एज ए कन्वेंशन हम लोग अपनाए हुए हैं, हम लोग अरिथमेटिक कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।